तो आप बारात तो पहुंच चुकी है चाची के यहाँ, मंदिर चाची को लेके जाएंगे अपने घर। लेकिन अभी बारात पहुंचने के बाद अभी डांस चल रहा है अभी ऊपर, यहाँ पे उनका गेट पे यहाँ पे उनकी साड़ियाँ खड़ी होंगी। वहाँ पे तक पहुँचने तक पहले यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं सब अपना, तो आप लोग देख सकते हैं सब लोग अभी डांस कर रहे हैं। और अब बारात ऊपर को चढ़ेगी और जहाँ पे भी हमारा स्वागत हुआ शुरुआत हुई आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे डांस चल रहा है और यहाँ पे ये ड्रोन शॉट है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा शॉट ऊपर से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं ढोल डमरू वगैरह है। बारात पूरे द्वारे पर आ गई है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि ये मोमेंट सबसे ज़्यादा दुल्हन के लिए तो बहुत खुशी का होता है। और ऑफकोर्स बरातियों का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है, तो सब लोग देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये चाचा की सालियाँ हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है होगा सालियाँ प्लस भाभियाँ प्लस और भी कुछ होंगी, तो ये सब उनको टीका लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप उनका स्वागत हो रहा है, अभी उनसे रिबन कटवाएंगे तो पैसे भी मांगते दुल्हन वाले, आपको पता ही होगा। और पैसे भी गरम गरम मांगते हैं, बहुत अच्छे नोट, उनको ज़्यादा नोट चाहिए होते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहीं पर तो मज़े आते हैं पैसे मांगने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चाचा को खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब पानी वानी पिला रहे हैं, मिठाई उठाई खिलाएंगे, उसके बाद पैसे मांगते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अभी आप देखते रहिए गाइस क्या क्या होता है। दुल्हन दूल्हे वालों का स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पर चाचा के फ्रेंड्स वगैरह सारियों को छेड़ रहे हैं अपने कि मतलब हम इतने नहीं देंगे ऐसा वैसा, जैसे आप लोगों को पता ही होगा बहस तो सभी करते हैं, तुरंत तो कोई देता नहीं है उतने पैसे जितने मांगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहस चल रही है सबसे ज़्यादा, पैसे दो करके लगता है यहाँ पे मान गई है हमारी मौसी जी। तो आप लोग देख सकते हैं ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा इनको गंदा कर दिया है, मेकअप ख़राब कर दिया है इन सब का। जैसे कि अब यहाँ पे रिबन की कटाई हो रही है, मतलब दुल्हन वाले मान चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि अब चाचा रिबन काटेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर घुस जाएंगे। और ये देखो कुछ तो बोल रहे हैं, अब चाचा की एंट्री हो चुकी है अंदर को। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दूल्हा अंदर जा चुका है, मतलब अंदर जाने लग गए हैं। और अब होगा मेन गेस्ट का स्वागत। अब आप देख सकते हैं कि पंडित जी हैं हमारे और ये चाचा हैं, और यहाँ पे उनके लड़के वालों के पंडित जी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत पूजा चलती है हल्की फुल्की, और उसके बाद स्वागत किया जाता है मेन लोगों का। तो आप लोग देख सकते हैं अभी सब लोगों को माला पहनाई जाती है एक एक करके, जो मेन है। फिलहाल सबसे मेन तो अभी यहाँ पर चाचा ही हैं, जो दूल्हा होता है सबसे ज़्यादा मेन तो वही होता है। तो फिलहाल आप तब तक गाँव का व्यू देखिए, ये पूरा तोलियो गाँव है, बिरगना तोलियो। तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन ये बैजरों की साइड है, ये गांव पड़ता है। तो दुल्हन वहीं की थी, तो देख लीजिए अब यहाँ पे स्वागत हो रहा है। अब यहाँ पे सबको एक एक करके माला पहनाई जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और टीका लगाया जाता है। ये देखो अब जो हमारे मेन गेस्ट होंगे, जैसे कि मेरी मम्मी, दूल्हे की भाभी, ये देखिए मेरे दादाजी मतलब दूल्हे के पापा। दूल्हे की मम्मी तो खैर आई नहीं थी, जैसे कि इन लोगों का स्वागत किया जाता है। मेरे पापा, दूल्हे का भाई बड़े वाले चाचा, दूल्हे के बड़े भाई, बुआ, दूल्हे की बहन, ऐसे करके सबका स्वागत होता है। देखो ये मेरे पापा और ये लड़की के बड़े भाई, मतलब कि ऐसे ऐसे करके टीका लगेगा। ये दूल्हे के मामा हैं, तो ये शायद दुल्हन के मामा होंगे, तो ऐसे आपस में टीका लगाया जाता है। और ये देखिए ये हमारे दादाजी बूबा जी हैं, मतलब, और ये दूल्हे के मामा जी हैं, और ये मेरे दादाजी हैं, दूल्हे के चाचा जी हैं। तो गाइस ऐसे प्रोसेस चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये दुल्हन का भाई हैं, और ये मेरे को पता नहीं है। और ये हमारे ताऊ जी हैं, मतलब दूल्हे के बड़े भाई साहब, तो वो दुल्हन के बड़े भाई होंगे। ये मेरे ताऊ हैं, ये भी दूल्हे के बड़े भाई, दुल्हन के बड़े भाई। तो गाइस ऐसे ही सबने एक दूसरे को माला पहनाए थे। ये मेरे चाचा, दूल्हे के बड़े भाई। तो मेन लोगों को सबको माला पहनाई गई एक एक करके, देख सकते हैं अब आप। लेडीज जनता की बारी आ चुकी है। ये मेरी बूबू,
इनका भी स्वागत हो रहा है। तो ये मेरी दूसरी वाली बूबू है, ये मेरी बुआ है, चाचा की इकलौती, चाचा की सब की मतलब मेरे पापा लोगों की एक ही बहन है, तो वो यही है मेरी बुआ, इनका भी स्वागत। ये मेरी चाची दुल्हन की दीदी है, ये बड़ी वाली चाची। ये मेरी मम्मा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है गाइस, ये दूल्हे के फ्रेंड है मतलब गांव के भैया। और ऐसे ही सबको एक एक करके पहनाया गया मेन मेन लोगों को। उसके बाद बारात अंदर को पहुंची, तो आप देखते रहिए। अभी यहाँ सबको लग रहा है टीका पिठाई, मतलब बाकियों को तो भेज दिया, और जो मेन मेन है, जो मेन मेंबर्स हैं, उन सबको ये माला पहनाई गई। अब देखिए यहाँ पे दूल्हे को गोद में उठा दिया गया है। वाओ गाइस, अब देख सकते हैं आप, हम लोग पहुँच गए हैं दुल्हन के घर के बाहर वाले बगल वाले गांव चौक पे। तो वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डांस सबके सब एक साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सब लोग डांस कर रहे हैं गाइस। बहुत मज़ा आया था हम लोगों ने, बहुत शादी में, सॉरी गाइस। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे प्रोसेस होगा दूल्हे को। अब यहाँ पे लंबा चलता है, बहुत पूजा वूजा होती है, तो यहाँ पे अभी दूल्हे मतलब दूल्हे के पैर वैर छूते हैं, दूल्हा दूल्हे के पैर छूते हैं उनके पापा, ये रस्म होती है। और ये उनके यहाँ के मांगलेर हैं, यहाँ पे मांगल गा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे पंडित, दोनों साइड के पंडित अंकल जी यहाँ पे पूजा, वो दोनों पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि दूल्हा सबसे ज़्यादा मतलब दूल्हा मेन होता है, मेन तो खैर दूल्हा हो गई, लेकिन उसके सबसे मतलब उसके साथ पूजा होती है दुल्हन के पापा, दुल्हन की मम्मी, इन सब की। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे पूजा चल रही है, बहुत लंबी चलेगी ये पूजा। तो आप देखो यहाँ पे चाचा के पैर धो रहे हैं दुल्हन के पापा जी, ऐसा ही होता है, और पंडित जी के भी पैर धोएंगे और चाचा के भी पैर धोएंगे, ये रस्म है, धोने पड़ते हैं, चाहे बड़े कोई भी होगा, लेकिन जो रस्म है वो रस्म है, वो निभानी पड़ती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे नाना जी मतलब नाना जी ने पंडित जी को माला पहना दी है, और पता नहीं क्या दे रहे हैं ये, कुछ फलों का टोकरा वगैरह। तो गाइस ऐसे रस्म चलती रहेगी, अब आप लोग देखते रहिए, हम दुल्हन के आने का वेट करेंगे। अब गाइस जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा कि एक पापा के लिए, एक बाप के लिए अपनी बेटी को देना किसी के भी हाथों में बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही जो हमारे नाना जी हैं, वो उन्होंने भी अपनी बेटी दी है सब, मतलब चाहे उन्होंने हमें ही दी है, पर दी तो है ही, तो वो भी तो एक बाप है, तो अपनी बेटी देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो उनके सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ये, भले ही वो लोग अपने दुख पाते हैं, लेकिन इमोशन तो रहता है माँ बाप का बच्चे के साथ कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल चाचा के साथ उनकी पूजा चल रही है, और अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं, ये सब बराती हैं जो लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे डीजे वीजे भी आ रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे चाचा लोगों का, चाचा और नाना जी के भी इसमें बहुत कुछ चलता है, पूजा वूजा होती है, पंडित जी लोग पूजा करते हैं, आरती होती है, देखिए यहाँ पे आरती चल रही है, सब कुछ करना पड़ता है गाइस, जो रस्में हैं वो निभानी तो पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा चाचा की पूजा कर रहे हैं, चाचा को भी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान है उनके लिए। तो गाइस अभी इतना एंजॉय करने के बाद अब होगी हमारी चाची की एंट्री, तो देख लेते हैं, मिलो चाची से। गाइस जब फाइनली चाची की एंट्री हुई, तो आप लोगों को पता ही होगा, देख सकते हैं आप, एक्साइटमेंट तो रहती है दुल्हन के चेहरे पे। तो आप देख सकते हैं चाची के चेहरे में भी कहीं एक्साइटमेंट तो होगी चाचा की, मिली चाचा से मिलने की। तो गाइस आप देख सकते हो कि फिलहाल अभी उनके साथ फ़ोटोशूट हो रहा है, जो लोग जयमाल वगैरह भाई बहन वगैरह सबका फ़ोटोशूट हो रहा है। देखिए हमारी दुल्हन जी, हमारी चाची जी आ गई है, तो देख सकते हैं आप, ये स्लो मोशन में चलते हुए आ रही है चाचा के पास, और आप उन दोनों के चेहरे की खुशी देख के समझ सकते हैं कि देखिए चाचा का चेहरा खुशी से खिल गया है बिल्कुल चाची को देख के। तो आई फिलहाल चाची भी आ गई है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी उनका फ़ोटोशूट होगा, ये सब पता है कैमरामैन फ़ोटोशूट करता है बहुत देर तक, तो अभी उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो
जिसमें